देखिए पूरी चांदी ही चांदी नजर आ रही है यहाँ। देखो कितना सुंदर जो है, ये है दुबे जी की पार्टी का नजारा। अब गोल्डन होना है, अब जब मेहनत करवाओ जरा थोड़ी सी। जाओ चलो, है तो सही। इडली, डोसा, सांभर, ब्रेड, चटनी, अरे वाह, लस्सी, अरे बहुत बहुत एंटरटेनमेंट पार्टी होने जा रही है। तो है एक यादगार पार्टी होने जा रही है। टुडे इज द एक्चुअली रियल दैट नो लास्ट डेट ऑफ हिज सर्विस एंड आवर पीआईसी मैडम इज एक्चुअली जस्ट नाउ कॉल्ड मी एंड दैट सेड दैट ही इज हैविंग सम बैक पेन एक्चुअली, सो फॉर दैट रीजन एक्चुअली शी विल नॉट बी एबल टू कम फॉर दिस टुडे सेफ्टी फंक्शन। तो दुबे जी के तरफ से मैं सबको एक्चुअली उनका इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए आप सबका आभारी हैं, और खास करके दुबे जी, और हमको बहुत खुशी लगा कि उनका जो पूरा एंटायर फैमिली, मैडम, बेटा, बहू, ठीक है, सब लोग आप लोग आए। और दुबे जी के बारे में उस दिन भी काफी हम लोग बात कर लिए थे थोड़ा बहुत, और उनका बारे में तो बोलना क्या है कि जो सर्विस रिकॉर्ड के बारे में जो खास करके उमा शंकर जी और जो हमारा पीआईसी मैडम जी उस दिन काफी कुछ जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देख के बताए थे। बाकी मैं मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम आईआईटी कानपुर आया था तो पहले बार मेरा जो दुबे जी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था लगता है कि मेरा बेटा का ट्यूटर के लिए एक मुझे एक प्रोफेसर ने बताया कि इस प्रोफेसर का बेटा को एक ट्यूटर पढ़ा रहा है, उसको आपको मिलना है। तो मैंने किसी से पूछा सर विजयन जी या पैरा जी को, उस टाइम पे उन्होंने बोले कि दुबे जी को ही पता होगा प्रोफेसर का, इस इन प्रोफेसर के बारे में। फिर इनके थ्रू से मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया था, और इनका जो सर्विस रिकॉर्ड्स के बारे में बोलना है तो कोई मतलब जो बोलते हैं ना, जैसे हम लोग सुनी सुनाई बातें जैसे बहुत सारे सुनते रहते हैं भी, बट दुबे जी के बारे में कोई कुछ भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड्स किसी के एंड से भी नहीं मिला है कभी। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम नीट एंड क्लीन एज वेल एज मोस्ट डिसिप्लिन एंड सोवर सिंपल पर्सन। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले दुबे जी अपने तरफ से कुछ शेयर करें, फिर हमारा जो अदर जो कलीग्स हैं वो अपना अपना और कुछ बच गया तो बोल दीजिए। बाकी हमारा जो और कलीग्स शेयर करना चाहे, ताली काफी देर से लगी हुई है तो आप लोग को इंतजार नहीं कराऊंगा। हाँ बैठ जाइए वहीं पे, है ना, वही बैठ जाइए, हाँ वही बैठ जाइए सामने, बैठ के बोल लीजिए, आज खड़ा होके तो बहुत बोल लीजिए ना, आप लोग सुन सुन के थक गए बैठो उधर भी है। तो ज्यादा कुछ बोलूं, मैंने बहुत आनंद आया, 36 साल की नौकरी में पूरा आनंद दिया है, पूरा सहयोग मिला आप लोगों का, और ये तो कहूंगा नहीं कि कोई गलती हो तो माफ करना है, माफ जिसने किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक। अब आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपा हाथ लें, धन्यवाद। एक मिनट का ये कि मैं जेपी जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले हमारा जो कितना पैदा ना है पहनाने के लिए आप लोगों का बॉन्डिंग बनाए रहे आगे भी। सर ये सर आप दीजिए, बड़ा है। तो हो गया था।
नहीं नहीं आज नहीं आज दिया जाएगा आज मनोज जी के लिए दिखाने के लिए बेईमानी करी है इन्होंने शायद इसलिए कह रहे नहीं नहीं अब नहीं मैं बेईमानी का कर दिया इन्होंने चक्कर ना सिर्फ कर रहे हैं ना मैं काम करेगा सब नहीं 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 जब आप फेस कर रखे हो हम लोगों को तो यही साथ रहे घर आइए 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 विदा क्या करें हम भरे इन नयन से विदा क्या करें हम भरे इन नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम आंखें भीग जाती है रोता है ये मन मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम आंखें भीग जाती है रोता है ये मन साथ साथ रहना साथ मुस्कुराना साथ साथ रहना साथ मुस्कुराना कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से बजाओ विदा क्या करें हम भरे नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से काश कोई जिंदगी को पीछे छोड़ देता काश कोई जिंदगी को पीछे छोड़ देता गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं कैसे भूल जाएं वो सारी बात मन से विदा क्या करें हम भरे नयन से हमारे 1988 बैच के हमारे साथी लोग आए हैं हमारे आंदोलन में आए उनके आभारी हैं मैं और आप में से कोई अगर अपने विचार व्यक्त करना चाहे हमारा जो लाइब्रेरी का स्टाफ है लगभग मेरे को सब जानते ही है मेरे यहाँ से जाने के बाद भी मैं 2003 तक यहाँ पर था 1988 से लेकर तो
और उसके बाद मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स में चला गया था। मेरे अनिल दुबे जी को मैंने कभी अपना दोस्त नहीं माना, वो मेरे छोटे भाई की तरह है, और चूँकि ये मेरे से 4.5 साल छोटे हैं और हमारा इनका साथ 1980s के आसपास से है, और हम लोग बड़ा अच्छा एक क्लब चलाते थे यहाँ पर, हम लोग क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, काफ़ी शहर में भी अच्छे अच्छे क्लब से खेले, उन्होंने भी खेला, हमने भी खेला, और हम लोग की जॉब भी इसी के लिए लगी थी कि हम वी आर वेरी गुड क्रिकेटर ही है। तो हमारे वाजपेयी साहब थे, उन्होंने हम लोग भी ट्राई किया था, पुश किया था इंस्टीट्यूट में आ जाएं, और लीडी साहब थे, लाल साहब, लेकिन हमारा इनका कभी भी मतभेद नहीं रहा। कुछ कुछ चीज़ें हम लोग की नहीं मिलती थी, लेकिन हम लोगों ने कभी भी आपस में कोई बहस नहीं की, कुछ नहीं किया, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे यहाँ पर लाइब्रेरी में भी हो, हम लोगों ने खुलकर आपस में कभी विरोध नहीं किया। ये कुछ चीज़ें होती थी, हो जाता था, लेकिन ठीक था। लेकिन हमें आपके साथ कई बार बाहर ट्रिप ली है, इंटर आईडी खेलने गए हैं, बहुत सारे मैचेस खेले हैं, और इनकी 2-3 इनिंग मेरे को याद है जो कि आज 2020 शुरू हुआ है, लेकिन उस ज़माने में 80s में भी हम लोग 16 ओवर का मैच खेलते थे, 14-14 का रन रेट भी हम लोग फेस करें। इन्होंने एक मैच खड़कपुर में जिताया भी था आई टी डेली के अगेंस्ट में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार हम लोग अपने विद फैमिली भी गए थे आईआईटी बॉम्बे, कई लोग हम लोग अपनी फैमिली लेकर भी गए, साथ में रहे वहाँ पर, तो हमें तो बड़ा दुख भी है कि एक लंबा समय गुजर गया, क्योंकि तो हमारे साथ में हम लोग 9 लोग यहाँ अपॉइंटमेंट हुए थे, अनिल दुबे जी लास्ट हैं हम लोग के बीच में। अभी क्योंकि एक चक्र है, ये राउंड है, सबको निकलना ही होता है, हम लोग 9 लोगों में, हम लोगों में से बीच में कुछ एक दो लोग रहे भी नहीं है, सब चलता ही रहेगा। लेकिन मेरी ओर से ये है कि अनिल जी से मेरी पहले भी बात हुई है कि रिटायरमेंट के बाद आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और मैं तो चाहूँगा आप तो अपनी फैमिली के साथ रहें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, मेरा भी एक बेटा है, और लोग कहते हैं आजकल ऐसा नहीं है, बहू बेटा और सब ठीक है, वो ज़माना बहुत चेंज भी हो गया, और ऐसा नहीं, अगर आप फैमिली के साथ रहोगे तो बेस्ट है, क्योंकि मैं तो रहता ही हूँ भाई, और ऐसा भी कुछ नहीं है जैसे पहले रह रहा था शादी से पहले, वैसे अभी भी साथ में रह रहे हैं, तो सब चलता है, 19-20 तो होता ही रहता है। मेरी ओर से ये है कि फ्यूचर में आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, बस नहीं, शीतल जी का नंबर है, शीतल जी भी है। देखिए बड़े भाई हैं हमारे, ये हम लोगों ने मतलब पापा के ऑफिस में अंकल जी काम करते थे, छोटे से हम लोग जाते थे साथ में, और भाई साहब हम लोग को हाथ पकड़ लिया था 6 यार्ड में, और अभी ये समय है देखिए, और भाई आगे वो चल रहे हैं, पीछे पीछे हम लोग भी, ये 3-4 साल बचे हमारे भी, हम लोग इसी राह पे आएंगे, बट इनका हाथ हमेशा हमारे सर पे रहा, और मैं इनके भविष्य उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और हमारे जहाँ भी रहेंगे साथ में रहेंगे, मिलेंगे, ऐसा नहीं कि मिलेंगे नहीं, और बाकी अच्छे से सब लोग रहेंगे, बच्चा है जानता है छोटा सो भी सामने, और मैं इनके भविष्य की अच्छे से कामना करता हूँ। भूषण लाल जी के समय से चला आ रहा है, तो ये सब तो हमारे लिए मार्गदर्शक रहे हैं, तो भरत हो, दुबे जी हो, ये मशंकर सर हो, तो हमारे तो इनके मार्गदर्शन में कायम किया है और सुचारू रूप से, और इन्होंने बुलावा मुझे भेजा है, इसके लिए हम आभारी हैं, हमेशा उत्तरोत्तर तरक्की करें, स्वस्थ रहें, बस मेन और टिप्स दे दीजिए स्वस्थ रहने वाली, बचा कर रखा था, सही टाइम पे आ गया,
चलते रहो डोली उठेगी अगली बार है का जो पिक है सारा पूरा प्रोसेस ये हो रहा है ठीक है आप देख सकते हो यहाँ पर ठीक है फोटो खींच लो देख के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो आज सर का रिटायरमेंट है इस रिटायरमेंट पर ये हमारे सारे बच्चे ट्रेनिंग हैं ये ट्रेनिंग हैं बोलना चाहेंगे सर के बारे में और ये हम है ट्रेनिंग तो बताइए जरा मैडम आप बताइए पहले क्या दो महीने मुझे 2 महीने हुए हैं यहाँ आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है लेकिन सर ऐसे थे जैसे मेरे ताऊ जी बड़े उन्होंने ऐसे मुझे गाइड किया कभी डांटा नहीं कोई भी चीज अच्छे से बताई सर बहुत अच्छे हैं मैं उनको हमेशा याद करूंगी रिंका जी सर बहुत अच्छे हैं सर ने हमेशा गाइड किया है सबको अच्छी सलाह दी है और किसी भी काम को सिखाने में सर का बहुत सपोर्ट रहा है सर को बहुत मिस करेंगे और सर के लिए विशेष करेंगे कि सर आगे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहें और अच्छे से घूमें और मिस्टर अली जी सर के लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि सर से मुझसे ज़्यादा कोई भी रिलेट नहीं करता था ट्रेनिंग में क्योंकि मेरे पिताजी भी क्रिकेटर रहे हैं और यूपी के लिए उन्होंने विकेट कीपिंग की है और सर्विसेज के लिए खेलते थे और सर भी उसी में है तो जनरली क्या और सर भी मराठा कानपुर के मराठा मंडल के कई क्रिकेट लोग जानते हैं जैसे मेरे पापा भी जानते थे तो इसलिए हम सर से कुछ ज़्यादा ही रिलेट कर पाते हैं और कभी कभी बस सर के लिए सर की फिटनेस की ये बात कहेंगे कि मेरे पापा जो विकेट कीपिंग और सब करने के बाद भी वो इस समय घुटने उठने से पूरी तरह से लाचार है लेकिन सर पूरी तरह से फिट है और मैं चाहता हूँ बिल्कुल वैसे ही फिट रहे क्योंकि सर का सपना है कि पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करने का तो मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान के साथ साथ पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट भी हुए इंडियन कॉन्टिनेंट विदेश के बाद इंडियन कॉन्टिनेंट भी पूरा देखे जैसे कम्बोडिया हुआ ये सब भी देखे सर धन्यवाद जैसे कि सभी लोगों ने कहा कि सर बहुत अच्छे हैं तो वाकई में सर बहुत अच्छे हैं सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है और सबसे मेन पार्ट मुझे ये अच्छा लगा सर जैसे कि काम भी करते थे साथ में तो उसमें से सर थोड़ा थोड़ा क्विज पूछते रहते थे जीएस की तो उससे सर मुझे नहीं पता फिर सर उसको पूरा मतलब डिटेल में बताते थे कि ये ऐसे से ऐसा है तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी हम लोग आसपास पहुंच जाते थे काफी खुशी होती थी कुछ आसपास यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं और जैसे सर का सपना है कि सर बहुत घूमना चाहते हैं तो बस मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना रहेगी सर हमेशा स्वस्थ रहे और अपना सपना पूरा करें दिव्यांश जी और हम हमेशा हम लोग को अच्छे से गाइड किया है और जब भी उनके पास जाते थे वो हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग को नई चीज ही सिखाते थे वेरी गुड सर आप हम ट्रेनिंग के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा आप तो अब मैं आप सबके तो पहले उज्जवल भविष्य कामना करूँगा और आप जो भी हो बहुत ईमानदारी से सीखिएगा भविष्य में बहुत काम आएगा क्योंकि आप आईआईटी कानपुर में ट्रेनिंग कर रही हैं उसका बहुत बाहर जाएंगे आपको वेटेज मिलेगा सिर्फ आईआईटी कानपुर से उसका मतलब वो काफ़ी कुछ सीख गया है और वो जब कुछ पूछे तो फिर वो निराश ना हो उसको लगना चाहिए कि हाँ आईआईटी से आ रहे हैं अभिनव जी आप बताइए सर जैसे कि अभी सब अंदर सबने आपके जो रिटायर हो चुके हैं या फिर जो आपके अभी भी कैदी थे या फिर जिनको आप छोड़ के जा रहे हैं जो आपसे अभी कुछ ही मैंने पहले मिला तो जैसे कि अवधेश सर ने भी कहा था कि आपको किसकी मतलब कि ये होता नहीं बैड मतलब कि बैड बाइटिंग भी आपकी कभी नहीं हुई सबने आपकी तारीफ करी किसी के लिए आपके नहीं होता कि दोहरा चरित्र आपके लिए किसी का नहीं था तो उसको आपने कैसे मैनेज किया क्यों क्या आपका करेक्टर था जो नहीं वैसे कोई भी इंसान कोशिश कीजिए कि सामने वाला उसकी अच्छाई क्या है उस पर नजर है ना सबसे आप बचे रहेंगे अगर आप उसकी बुराई में घुसेंगे
मुश्किल हो गया मुझे पता कि महबूब अली का कंप्यूटर अच्छा कमांड है तो हमें कंप्यूटर पर कमांड के विषय में ही हमें महबूब से संपर्क करना है और उनकी दुनिया में जिंदगी में क्या हो रहा है मुझे उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना आप सफल रहे और ये भी कुछ लोग कहना चाहेंगे हाँ विनोद जी आप बताइए सर के विषय में कुछ चार लाइनें बोलिए सर एज ए फैमिली मेम्बर हैं और छोटे में सर ने खिलाया है आज सर का विदाई है आखिरी दिन है ऑफिस में बहुत ही मिस ठीक है और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने ज्वाइनिंग किया था सबसे पहले स्पोर्ट्स के मार्गदर्शन हमारे गुरु जी हैं क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स में मैं भी वॉलीबॉल खेलता हूँ मेरे को बहुत शौक है खेल का तो सर ने जो है हमको कैप्टन से मिला दिया और तब से हम अभी तक खेल रहे हैं और ऐसी कामना कीजिए अच्छे खेलते रहें और स्वस्थ बने रहें और सर के भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए स्वस्थ बने रहें चलते रहें साइकिल भी दौड़ाएं सब कुछ करें सर के लिए कुछ दो शब्द हम भी बोलना चाहेंगे थोड़ा सा कैमरा पकड़ लीजिए एक ऐसा है हाँ सर कि हम लोग 1 दिसंबर 1988 वो 8 लोग ज्वाइन किए थे साथ में एक ही डेट में हाँ ठीक ना जी और तब से हम लोगों का साथ बिल्कुल बरकरार रहा बहुत बढ़िया से मतलब मित्रता वो सब चलती रही सही सलामत हाँ सब सही सलामत सब बीता और अब लास्ट में अब इनके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं आपकी कैटेगरी में आ गए अब वो तो कल ही हाँ भैया सर के लिए हाँ चार लाइनें मैं भी बोलना चाहता अच्छा बोलिए 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 स्वागत है आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं आपको हम विदा आज कर देंगे आपको हम विदा आज कर देंगे सीनियर ऐसा सज्जन नहीं है ओह वेरी गुड बहुत बहुत धन्यवाद सर से हम आपसे बात कर रहे थे एज ए गुरु क्योंकि सर से हमने बहुत कुछ सीखा ज्यादा टाइम नहीं बिताया मैंने सिर्फ 2 महीने ही हम लोग को हुआ है एज ए ट्रेनिंग तो सर की गाइडेंस इतनी समझ लीजिए दिल को छू जाती है तो ऐसे गाइड करते एमएमबी क्या है अरे भाई ये एमएमबी क्या है भाई आपको नहीं पता एमएमबी का मतलब होता है माय मिस्टेक ब्लॉग माय मिस्टेक ब्लॉग